उनके उन्होंने जो कहा उसके ऊपर तो और मुझे नहीं लगता और कुछ कहने की बाकी रहे कि जो भी बातें उन्होंने कहा सभी मेरी मन की बातें कहा, क्योंकि मैं भी वही कहना चाहती जो उन्होंने कहा। अच्छा, लता मंगेशकर से अगर मिलने का मौका मिले तो मिलना चाहेंगे? नहीं नहीं ज़रूर, क्यों नहीं, आज इतने उनसे तो कौन नहीं मिलना चाहता, और हम लोग सब उनसे इंस्पायर्ड हैं। और लता जी ने बहुत अच्छी बात कही है कि भाई इंस्पिरेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और इंस्पायर होकर ही हम उनको फॉलो कर रहे हैं, सारे आर्टिस्ट म्यूज़िक इंडस्ट्री के, मैं नहीं, गानू जी नहीं, बल्कि सारे आर्टिस्ट वो उनको एक इंस्पिरेशन मानते हैं। तो उनसे मिलवाने का मैं ज़रूर कोशिश करूँगा, एंड वाई नॉट, आई एम श्योर रानू जी के लिए भी अच्छा मोमेंट, बड़ा मोमेंट होगा लता जी को मिलना। क्या फीलिंग्स होगी उस वक्त अगर मिल चांस मिले तो? क्या मैं जो अभी जो मैं इनके साथ जो गाया मैंने जितना भी जो भी, तो मुझे नहीं लगता इनके ऊपर और किसी के साथ मुझे और किसी को मैं बोल सकूंगी बहुत। हाँ, एक ज़माना थी उनको जो जिस टाइम पे उन्होंने बहुत सारा गाना, मैंने तो बोली कि उनका उनका उम्र के हिसाब से मैं उनके पास बहुत ही उम्र से मैं बहुत ही छोटी और जूनियर हूँ, तो बस मैंने उनका गले का मैंने उनका जो आवाज़ उसी को हमेशा फॉलो किया, उनका तारीफ किया, आवाज़ जो कि भगवान ने दिया ज़रूर उनको भी, लेकिन मुझे ये नहीं मालूम उनके इतिहास के बारे में, उनके उनका जो पर्सनलिटी, उनका लाइफ में क्या क्या हुआ ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन इस बार मैंने सिर्फ उनका आवाज़, हाँ कभी उनका मुंह पे देखा लाइटिंग जब वो गाते समय, या फिर कभी उनका पिक्चर में दिखाया, या फिर कैसेट पे भी बहुत समय उनका पिक्चर लगा हुआ रहता था तो वो सब देखी, मगर उम्र के हिसाब से वो बहुत ही मुझसे बहुत बड़ी है। और उनको 90th बर्थडे के लिए हम लोग अपनी दिल से शुभकामनाएं देते हैं, वेरी हैप्पी बर्थडे टू यू लता जी, उन आपका 90th बर्थडे है और आप हज़ारों साल जिए और इसी तरह हम सबको ब्लेस करते रहें, यही हम कह सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। फाइनली लास्ट क्वेश्चन सर, हमें ये बज आ रहा है कि आप दबंग 3 में भी गा रही है, कुछ सॉन्ग्स मिले इसका कुछ बता सकते हैं? अब तो नहीं पूछना पड़ेगा। नहीं नहीं, मुझे मैं कैसे कह सकता हूँ, अतिंदर जी अभी वो हमारे जो ये गाने आ रहे हैं वो गा रही हैं, आदत नाम का गाना आने वाला है, आशिकी में तेरी, कह रही है नज़दीकियाँ, बहुत सारे गाने आ रहे हैं और बहुत से लोगों के साथ वो कोलैबोरेट करें, ये हम दिल से दुआ करते हैं। और अतिंदर जी और तपोंदा उनका काम पूरा हैंडल कर रहे हैं, और बाकी और कोई फिल्म पर कमेंट करना इस वक्त ठीक नहीं होगा, वो डेफिनेटली आप लोगों के सामने जो भी, बहुत जल्दी उनके आगे के गाने आएंगे। थैंक यू वेरी मच।